इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने वीवो Y93 मॉडल के अंदर अगर हमें साउंड एंड वाइब्रेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए, इसके लिए जो है सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना होगा और इस पर दो कंडीशन अप्लाई होती हैं, सबसे पहले सॉफ्टवेयर की और एक हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर की प्रॉब्लम को आप छोड़ दीजिए, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम को बात कर लेते हैं, क्योंकि हार्डवेयर की प्रॉब्लम में रिपेयर होता है तो वो तो आपको रिपेयर करवा कर ही ठीक करना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद जब आप थोड़ी सी नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको सिस्टम अपडेट दिखाई देता है, तो सिस्टम अपडेट पर आपको जाना है। और जैसे ही सिस्टम अपडेट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको दी वर्जन, लेटेस्ट वर्जन दिखाई दे, तो बस अपने फ़ोन को आपको बंद करके खोल लेना है। बंद करके जैसे ही खोलेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो होगी वो सॉल्व हो जाएगी। बट अगर लेटेस्ट वर्जन नहीं दिखता है आपको तो यहाँ पर आपको अपने फ़ोन को अपडेट करना होगा। और जैसे ही आप अपने फ़ोन को अपडेट कर लेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। आपको रिबूट करना होगा फिर फ़ोन को, और अपने सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद, इंक्लूड करने के बाद सॉफ्टवेयर को, तो आपकी प्रॉब्लम जो होगी साउंड एंड वाइब्रेशन की वो ठीक हो जाएगी। और अगर हार्डवेयर की होगी तो वो आपकी ठीक नहीं होगी। और आप ये वीवो के किसी भी मॉडल में कर सकते हैं, वैसे ही वाला मॉडल हमारा नहीं था, हम कोई और था मॉडल चला रहे हैं, बट इस वाले फ़ोन में भी ये प्रोसेस हो जाएगा।